हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कुकिंग विद गंगा वाइब्स में। और फटाफट सी रेसिपी देखने के लिए खटाखट लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बारिश का सीजन शुरू होते ही ये वाली रेसिपी न बने ऐसा हो नहीं सकता है। तो बारिश स्टार्ट होते ही पकौड़े ज़्यादातर मन करते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे मिर्ची ली है कूट के, राई ले लिया है, कड़ी पत्ता है, आलू है और बन लिया है। इससे बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। 6 से 7 आलू है, इसको बॉयल करके रखा है, गैस पे चढ़ा दिया है पैन और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसके बाद से 2 चम्मच इसमें ऑयल ऐड करेंगे, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। और इसके बाद से इसमें राई ऐड कर देंगे, राई को थोड़ा सा चटकने देंगे। इसके बाद से मिर्ची कूट के रखा था, इसको इसमें मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा इसको चला लेंगे। आप यहाँ पे लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन को कूट के इसमें ऐड कर लीजिए। इसके बाद से कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और 1 मिनट बस इसको भुनेंगे। और इसके बाद से इसमें फटाफट से आलू मैश करके ऐड करते जाएंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। तो यहाँ पे आलू ऐसे ही मैश करते जाएंगे और सारे आलू को ना ऐसे ही मैश करके और इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद से 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच आमचूर पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और इसके बाद से इसको भून लेंगे। अच्छा, ये वाली जो स्टफिंग है ना, इसको आप डोसे के साथ भी खा सकते हैं, या फिर टिक्के इसका बना सकते हैं, या सैंडविच भी बना सकते हैं, या फिर पकौड़े में ब्रेड पकौड़ा बना सकते हैं। कोई सा भी रेसिपी ना आप इसके साथ बना सकते हैं और बच्चों के साथ इस बारिश के समय में इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से 3 क्यूब बटर का लिया है और इसके बाद से थोड़ा सा इसमें पानी का छींटा मारेंगे, जिससे ये बटर भी मेल्ट हो जाएगा और ये आलू भी बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। तो बिल्कुल हल्का सा ही हाथों से छींटा मारना है, ज़्यादा इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पे स्टफिंग बन के रेडी हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे, एक साइड में बर्तन में रख लेंगे। अब चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे धनिया की पत्ती ली है, उसके बाद से अदरक, मिर्च 3 से 4, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप यहाँ पे नींबू को भी निचोड़ के इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चटनी पीस के रेडी हो गई है हरी वाली। अब रेड वाली चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पे लहसुन लिया है, 2 चम्मच ऑयल ऐड किया था और 2.5 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, और इस कश्मीरी लाल मिर्च है जो तीखा नहीं होता है। और इसके बाद से इसको इसमें चलाते रहेंगे और इसके बाद से इसमें पानी ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच। और इसके बाद से लाल वाली चटनी बनके रेडी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये बनके रेडी हो गई है। और इसमें नमक मिला लेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसके बाद से ये पक्के। अब एक बाउल ले लेते हैं और इसमें बेसन ऐड करेंगे। 4 से 5 चम्मच बेसन ले लिया है और इसके बाद से इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक घोल तैयार कर लेंगे, जिससे हमें पकौड़े बनाने के लिए बैटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करिएगा, पहले ही एक बार में पूरा पानी मत ऐड करिएगा, नहीं तो ज़्यादा पतला भी हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल पतला नहीं चाहिए, पकौड़े के हिसाब से ही हमें चाहिए। तो इसको पहले अच्छे से फेंट लें, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं। तो यहाँ पे फिट के रेडी हो गया है। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से फेंट लेंगे पहले। और मुझे बहुत ज्यादा भी गाढ़ा लग रहा था तो थोड़ा ही पानी और ऐड कर दिया है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा परफेक्ट बना हुआ है। तो अब इसको क्या करेंगे ना, जो बन रखा था, नहीं सॉरी, पहले इसको लाल वाली जो चटनी है ना, इसको पीस लेते हैं। तो लाल वाली चटनी भी बन के रेडी हो गई है, हरी वाली भी हो गई है। अब बन को निकाल लेते हैं और इसके बाद से ये पाव भाजी वाली जो ब्रेड होती है ना, वो वाली है। तो इससे ही बनाएंगे आज की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसको क्या करेंगे ना, काट लेंगे पहले ऐसे ही, और दोनों साइड चटनी लगाएंगे पहले। और इसमें क्या किया है ना, जो हमने स्टफिंग बना के रखा था उसमें ढेर सारा धनिया की पत्ती ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, ग्रीन वाली चटनी लगाएंगे अच्छे से और इसके बाद से रेड वाली चटनी लगाएंगे। आपको जितना तीखा पसंद हो ना, उतना इस पे चटनी में मिर्च डाल सकते हैं और उतना ही इस पे लगा भी सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा कम ही तीखा रखा है, क्योंकि बच्चों को भी खाना था ना, तो इसलिए। तो बच्चों को खाने के लिए आप थोड़ा सा कम ही तीखा बनाइएगा, और अपने जब खाना हो ना, तो इसके ऊपर थोड़ी सी मिर्ची
जो होती है स्पाइसी, उसको ऐड कर लीजिएगा, जिससे कि बहुत ही टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। तो बच्चों के लिए पहले बना लिया है, उसके बाद से बनाएंगे और ज़्यादा तीखा, इसके ऊपर और मिर्ची ऐड करेंगे। तो जैसे बारिश का समय होता है ना, तो कुछ चटपटा या तीखा ही खाने का मन होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बैटर भी ले लिया है और उसको भर लिया था, कढ़ाई में रख दिया है तेल गर्म होने के लिए। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसके बाद से इसमें डिप करेंगे इसको अच्छे से, पूरा मतलब चारों तरफ ना बेसन कोट हो जाए इस पे, और इसके बाद से कढ़ाई में ऐड करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ऐसे ही हमें सारे तल लेने हैं। तलने के लिए गैस का फ्लेम मीडियम रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा हाई रखेंगे ना तो ये ऊपर से तो पक जाएगा, लेकिन अंदर का जो स्टफिंग है ना वो थोड़ा सा ठंडा ही रह जाएगा, क्योंकि ब्रेड है और ऊपर के साइड अच्छे से तो पकेगा, लेकिन अंदर के साइड जो स्टफिंग है ना वो ठंडा रह जाएगा और उसका मज़ा नहीं आएगा। तो इसको क्या करेंगे ना, गैस का फ्लेम लो रखेंगे, जब इसको डिप कर ले तब तल ले तो, और उसके बाद से इससे तेल भी अच्छे से निकल जाएगा, नहीं तो ज़्यादा हाई पे तलेंगे ना तो ये तेल भी ज़्यादा पीता है फ्रेंड्स। तो इसके लिए देखिए ऐसे ही सारा तल के रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा चूरा बना लेते हैं। तो चूरा को लिए ना बेसन को ऐसे ही हाथों में लेके और इस पे ही ऐसे ही कढ़ाई में ऐड करते जाएंगे, जिससे चूरा बहुत ही अच्छा सा बनके रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे चूरा भी तल के रेडी हो गया है, मिर्ची भी तल के रेडी हो गई और पकौड़ा भी रेडी हो गया। तो चलिए अब देखिए इसको सर्व करने की तैयारी करते हैं, बहुत ही टेस्टी बनके रेडी होता है। तो यहाँ पे देखिए तल के रेडी हो गया है, ऐसे ही सारे पकौड़े हमने तल लिए थे और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल जो ठेले पे मिलता है ना बिल्कुल वैसा ही बनाया है। दिया है और देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ना, बिल्कुल ठेले वाले जो पकोड़े मिलते हैं ना ब्रेड के, तो वो वाले ये पकोड़े हैं। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बनके रेडी हो गई है। थोड़ा सा इसको और इस पे चटनी चूरा मिर्च लगाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा, खाने में मजा आ जाएगा। तो एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए इसको पहले अभी इसको अभी डेकोरेट कर देते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद से इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मिर्ची भी रख दी है और ये चूरा भी ऐड कर दिया है, बिल्कुल इसी तरीके से ठेले पे मिलता है, जैसे ठेले पे मिलता है ना बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे इसको। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस पे इसके ऊपर ना थोड़ा सा काला नमक छिड़क देंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी दुगुना हो जाएगा। और तो देखिए यहाँ बन के रेडी हो गया है। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं और सबको देते हैं और पूछते हैं कैसा लगा। तो यहाँ पे देखिए प्लेट निकाल लिया है और इसी में लगाएंगे, बिल्कुल ठेले वाले स्टाइल में इसको परोसेंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही मजेदार का होता है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए